नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में सनातन धर्म रामलीला मेला कमेटी के द्वारा भव्य रूप से निकाली गई राम की बारात। उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध रामलीला कमेटी सनातन धर्म मेला कमेटी द्वारा फिरोजाबाद में राम की बारात निकालने का आयोजन किया गया, जिसमें नगर विधायक, नगर की महापौर सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। फिरोजाबाद के राधा कृष्ण मंदिर से राम बारात का प्रारंभ हुआ और रामलीला मैदान पर जाकर राम बारात का समापन किया गया। इस दौरान राम बारात की सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगभग 650 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। वहीं पूरी राम बारात में 35 इंस्पेक्टर, 7 सीओ की ड्यूटी लगाई गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी में राम बारात निकाली गई। फिरोजाबाद सनातन धर्म रामलीला कमेटी के द्वारा इस भव्य राम बारात का आयोजन किया गया। लाखों की संख्या में लोग राम की बारात का लुत्फ उठाने के लिए राम की बारात में शामिल हुए। अनेक प्रकार की झांकियां राम की बारात के दौरान देखने को मिली। बता दें कि आज फिरोजाबाद में सनातन धर्म रामलीला मेला कमेटी के द्वारा भव्य रूप से निकाली गई राम बारात। उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध रामलीला कमेटी सनातन धर्म मेला कमेटी के द्वारा फिरोजाबाद में राम की बारात निकालने का आयोजन किया गया, जिसमें नगर विधायक मनीष असीजा, नगर की महापौर कामनी राठौर सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। फिरोजाबाद के राधा कृष्ण मंदिर से राम बारात का शुभारंभ हुआ। वहीं रामलीला मैदान पर जाकर राम बारात का समापन किया गया। इस दौरान तमाम लोग राम बारात देखने आए। रिपोर्ट ऋषि पंडित। राम बारात का आज यहाँ पर कई संविधान के कड़ों की कृपा से शुभारंभ होने जा रहा है। आज कई श्री राम की राम बारात पहुंचेगी रामलीला मैदान में और दशहरे तक ये पूरी लीला का मंथन होगा। बुराई पर अच्छाई की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, समस्त पर अंधकार पर प्रकाश की विजय, ये सब हम सब ये देखेंगे श्री राम की लीला में। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भगवान श्री राम की जय, बिहारी लाल की जय, सीता रमन की जय, राम की कल्याण की जय। यहाँ पे हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी श्री रामचंद्र जी की बारात का आयोजन बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हो रहा है। इसमें लगभग 40 झांकियों के लगभग आने की संभावना भी आ चुकी है और 40 झांकियों
अलग अलग तरह की है। सभी झांकियों में सब धार्मिक व्यवस्था से इस बार बनाया गया है। बहुत ही आकर्षण राम बराज देखने को मिलेगी। उत्तर भारत की एक प्रसिद्ध रामलीला है, इसकी ये राम बराज है। आप सब लोगों ने इस बारात को बड़े आनंद से देखा होगा और आपको भी अनुभूति हो रही होगी कि इस बार और ज्यादा उत्साह है लोगों में राम बराज को लेकर के और बड़े भव्य तरीके से राम बराज का संपन्न होगा। आज उत्तर भारत की सुप्रसिद्ध राम बरात, ऐतिहासिक राम बरात आज निकल रही है, भव्य तरीके से पूरे नगर में निकल रही है। पूरे नगरवासी भव्य तरीके से प्रभु श्री राम का बरात का स्वागत कर रहे हैं और सभी शहरवासी बड़े उत्साहित हैं अपने प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए। बड़े भव्यता के साथ राम बरात निकाली गई। श्रीमती कामिनी राठौर जी, सिटी मजिस्ट्रेट श्रीमती संगीता गौतम जी, SDM विकल्प जी और तमाम जिला प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग पूरे उत्साहित हैं। काफी ऐतिहासिक इस बार रामलीला महोत्सव निकल